हेलो दोस्तों, एक बार फिर से नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आज के ट्रेडिंग सेशन में 5% से एवर टाइम रैली का फिगर यहां पे देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक में पिछले एक साल में 170% के अराउंड में हमें मुनाफा का फिगर देखने को मिल रहा है और इसका प्राइस ग्राफ हमें यूँ ही देखने को मिल रहा है क्योंकि इस स्टॉक का जो बिजनेस हमें काफ़ी शानदार तरीके से देखने को मिल रहा है। दोस्तों इसका रेवेन्यू एंड प्रॉफिट का ग्राफ की बात करें तो एवरी ईयर कंपनी स्ट्रॉन्ग तरीके से शो किया है अभी तक और फ्यूचर में भी इसमें काफ़ी अच्छा खासा में रैली देखने को मिल सकता है। और दोस्तों जो इसका सेक्टर है यहाँ पे हमें मेटल देखने को मिल रहा है और इस सेक्टर में हमें आजकल अच्छा खासा में यहाँ पे रैली देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से इस स्टॉक ने भी काफ़ी शानदार तरीके से रैली शो किया है। हालांकि स्टॉक स्मॉल कैप से बिलोंग करता है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो पिछली वन मंथ की बात करेंगे इसका प्राइस का ग्राफ का तो पिछली वन मंथ में यहाँ पे 24% के आसपास का मुनाफा दिया है जो कि अपने आप में अच्छा खासा है। और दोस्तों पिछले 6 मंथ का यहाँ पे देख सकते हो इसका प्राइस का ग्राफ 87% से एबव का मुनाफा दिया है इस स्टॉक ने। और यहाँ पे देख सकते हो कितना शानदार तरीके से इसका प्राइस ग्राफ हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों हम बात करेंगे पिछले एक साल का इसका प्राइस का ग्राफ का तो 170% के आसपास का यहाँ पे हमें मुनाफा का फिगर देखने को मिल रहा है। और इसका प्राइस का ग्राफ देख के हमें समझना चाहिए स्टॉक अभी तक जैकपॉट साबित हुआ है। और दोस्तों बात करेंगे पिछले 5 ईयर का इसका प्राइस का ग्राफ का तो पिछले 5 ईयर में इस स्टॉक में यहाँ पे 1100% से एबव का मुनाफा का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों सबसे अधिक दिनों में यहाँ पे देख सकते हो इसका प्राइस का ग्राफ अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा का फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ से इस स्टॉक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें रैली देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड की रिगार्डिंग। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इस स्टॉक का रेवेन्यू का ग्राफ एवरी ईयर कंपनी कितना शानदार तरीके से यहाँ पे बिजनेस किया है। और दोस्तों बात करेंगे इसका नेट प्रॉफिट के ग्राफ की रिगार्डिंग तो जिस तरीके से हमें रेवेन्यू ग्राफ देखने को मिला ठीक उस साइज में प्रॉफिट या ग्राफ यहाँ पर नेट प्रॉफिट या ग्राफ हमें देखने को मिल रहा है तो आप लोग समझ सकते हो कंपनी का यहाँ पे बिजनेस कितना शानदार है जिसकी वजह से रेवेन्यू एंड प्रॉफिट या ग्राफ जबरदस्त तरीके से हमें देखने को मिला जिसकी वजह से इस स्टॉक का प्राइस का ग्राफ भी हमें काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पर आगे जाते हुए देखने को मिल रहा है। और फ्यूचर में इसका प्राइस में 1500 के अराउंड में भी देखने को मिल सकता है तो आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस न के रख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे 6500 करोड़ के आसपास का फिगर है जो कि स्मॉल कैप से बिलोंग करता है। हालांकि दोस्तों हम बात करेंगे इसका 52 के हाई के रिगार्डिंग तो स्टॉक के प्राइस हमें यहाँ पे 964 का हाई हमें देखने को मिल रहा है जो कि यहाँ पे लो की बात करेंगे तो 342 का लो हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्रीशू की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 31 के आसपास का फिगर है जो कि इंडस्ट्री की हम बात करेंगे इसका तो यहाँ पे देख सकते हो यानी कि ऑलमोस्ट हमें सिमिलर इसका प्रीशू हमें देखने को मिल रहा है यानी कि जो इसका प्राइस है फिलहाल हमें अट्रैक्टिव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर हमें फिगर देखने को मिल रहा है। इसका जो फेस वैल्यू है यहाँ पे हमें 2 रुपये का फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इस स्टॉक में दोस्तों यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग 66% से एबव का है जो कि कोई प्रमोटर का शेयर प्लेस है ही नहीं। और दोस्तों ईपीएस की हम बात करेंगे तो यहाँ पे 31 के आसपास का ईपीएस का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर डेप टू इक्विटी रेशियो का तो यहाँ पर देख सकते हो डेप टू इक्विटी रेशियो यहाँ पर 0.59 का फिगर है यानी कि कोई खास डेप्ट है ही नहीं। और दोस्तों यहाँ पे फ्री कैश फ्लो का फिगर भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और दोस्तों जो इसका पीईजी रेशियो है वो भी हमें काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है तो स्टॉक अपने आप में काफ़ी अच्छा खासा है। इसका जो प्राइस है वो भी हमें अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इस स्टॉक का क्वार्टरली सेल्स का फिगर आप लोग के सामने में एवरी क्वार्टर का जबरदस्त सेल्स देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो ये भी अपने आप में अच्छा खासा है। और दोस्तों यहाँ पे नेट प्रॉफिट की हम बात करेंगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट का फिगर भी काफ़ी शानदार तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। इसका ईयरली सेल्स की हम बात करेंगे तो
तो यहाँ पे देख सकते हो इसका ईयरली सेल्स का फिगर भी स्ट्रॉन्ग फिगर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फिगर भी अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है, और नेट प्रॉफिट की हम बात करेंगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट का फिगर भी काफी अच्छा खासा फिगर हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो कितना जबरदस्त सेल्स ग्रोथ का फिगर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ का फिगर भी काफी शानदार तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 3 साल में कंपनी ने यहाँ पे 70% के अराउंड में प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है, जो कि पिछले 5 साल में भी काफी शानदार फिगर हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कितना जबरदस्त तरीके से इस स्टॉक में मुनाफा का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो ये भी काफी शानदार फिगर है, और दोस्तों रिजर्व की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो रिजर्व का फिगर ये भी अपने आप में जबरदस्त तरीके से फिगर हमें देखने को मिल रहा है। ब्रोन्स की बात करेंगे तो कोई खास डेप्ट का फिगर है नहीं, और दोस्तों फिक्स एसेट की बात करेंगे तो फिक्स एसेट का फिगर भी पिछले साल के अकॉर्डिंग हमें इस साल अच्छा खासा फिगर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, आप लोग इस स्टॉक ऊपर फोकस मिलाकर रख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इस स्टॉक में यहाँ पे इनके प्रमोटर का होल्डिंग भी 66% से अबव का फिगर देखने को मिल रहा है, जो कि एफआई की बात करेंगे तो यहाँ पे 9% का, जो कि पिछले क्वार्टर में ओनली 3% के आसपास का होल्डिंग था। एफआई ने काफी शानदार तरीके से इस स्टॉक में खरीदारी किया है। दोस्तों डीआई की बात करेंगे तो डीआई ने भी यहाँ पे क्वार्टर फर्स्ट में थोड़ा सा खरीदारी किया है, जो कि दोस्तों यहाँ पे रिटेल की बात करेंगे तो यहाँ पे 21% से अबव का होल्डिंग है, और यहाँ पे रिटेल ने भी काफी अच्छा खासा यहाँ पे खरीदारी किया है। तो शेयर होल्डर पैटर्न अपने आप में काफी अच्छा खासा फिगर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो एफआई ने जबरदस्त खरीदारी किया है इस साल के क्वार्टर फर्स्ट में, तो आप लोग समझ सकते हो स्टॉक कितना अच्छा खासा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करेंगे अगर यहाँ से इस स्टॉक में थोड़ा बहुत हमें ग्राउंड का फिगर देखने को मिलता है तो इसका प्राइस हमें 830 के अराउंड में आते हुए देखने को मिलेगा। अदरवाइज फ्यूचर में इसका प्राइस हमें 1500 की भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है, तो आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। दोस्तों उम्मीद करते हो वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा जो वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। ओके सो थैंक यू, बाय।